तुमने मुझे माँ क्यों बनाया? जायदाद ही बना दे तब तुम सबको एक साथ देखना चाहती। Okay, जायदाद का नाम सुनते ही सब एक साथ आ गए, पर रजिस्ट्रेशन होते ही सब चले जाएंगे। ये जायदाद मेरी और घर भी मेरा, बीच में तू क्यों टांगा डाल रहा है? नानी के लिए कुछ भी करेगा क्या? हाँ करूँगा, नानी माँ मेरे लिए भगवान जैसी है, उनकी खुशी के लिए कुछ भी। वेलकम दोस्त, फिर से आप सभी को एक नया वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त फिर आप लोगों के लिए एक दमदार वीडियो लेकर आई हूँ मैंने। दोस्त आज मैंने इस वीडियो में अम्मामागरिल्लू यानी नानी माँ फिल्म की रिव्यू करने जा रही हूँ। इसी फिल्म की हिंदी डबेड वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होगी 24 तारीख में। इसी से पहले अगर इसी फिल्म के बारे में टेक्निक खबर जानना चाहती हो, जैसे कि इसी फिल्म का स्टोरी क्या है, इसी फिल्म का प्लस पॉइंट क्या है, इसी फिल्म का माइनस पॉइंट क्या है, इसी फिल्म में आपको कितना अच्छा और कितना बुरा लगेगा, इसी फिल्म को कितना रेटिंग देना चाहिए, अगर जानना चाहती हो तो हमारा इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। दोस्त शुरू करने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा यूट्यूब चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल या घंटा के आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके सबसे पहले। दोस्त बात करेंगे इस फिल्म, तो इस फिल्म 2018 की एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्म जिसको डायरेक्ट किया है सुंदर राय, और इसी फिल्म को IMDb के तरफ से 6.5 रेटिंग मिला है आउट ऑफ 10 से, और इसी फिल्म को 87 लोगों ने लाइक किया है जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर बात करेंगे इस फिल्म के लीड स्टार कास्ट की, तो इस फिल्म के लीड स्टार कास्ट में आपको नजर आएंगी नागा, सूर्या, शामिली, पोषानी कृष्ण, मुरली राव, रमेश, रवि प्रकाश, सुमित्रा। चलिए बात करेंगे इस फिल्म की स्टोरी के बारे में। इसी फिल्म में रवि बाबू यानी राव रमेश और उनके भेनोई सुमन के बीच एक दिन गंभीर झगड़ा होती है। झगड़ा होने के बाद दोनों परिवार अपने आप से 20 साल तक दूर हो जाती है। झगड़ा होने के 20 साल के बाद सुमन की बेटा यानी नागर सूर्य जो इसी फिल्म का हीरो है अपनी नानी माँ सीता महालक्ष्मी के प्रति पसंद विकसित करती है और अपने घर आने के लिए सही मौका का इंतजार करती है और परिवार को 20 दिनों में करीब लाने के लिए अपना नीचे एक मिशन बनाता है। उसी दौरान सीता महालक्ष्मी अपनी संपत्ति को वितरित करने का फैसला करता है, इसीलिए नागर सूर्य के साथ पूरी परिवार को अपने गाँव में आमंत्रित करता है। हालांकि गाँव में सभी की आने के बाद हालत बहुत बदल जाती है, परिवार की सभी लोग एक दूसरे के साथ करीब हो जाती है और कुशल बातों पर ध्यान देती है। आखिर ये सब कैसे हुआ, परिवार को साथ पाने के लिए नागा सूर्य क्या भूमिका निभाई, इस सभी जवाब पाने के लिए आप इसी फिल्म को एक बार देखना पड़ेगा। नागा सूर्य इसी फिल्म की अभिनय में बहुत आसानी से प्रभावित किया है। इसी फिल्म में अपनी पिछली फिल्मों की तुलना में इसी चरित्र में बहुत सक्रिय है। इसी फिल्म की अंत और भावनात्मक एपिसोड बहुत अच्छा है। इसी फिल्म का हीरोइन शामिली अपनी एक्टिंग के साथ बहुत स्वाभाविक है। इसी फिल्म में पोषानी कृष्ण को एक छोटी सी भूमिका मिला है लेकिन अपनी चरित्र के साथ न्याय करता है, बाकी कलाकारों की एक्टिंग ठीक ठाक है। चलिए बात करेंगे इस फिल्म की प्लस पॉइंट क्या है। नागा सूर्य इसी फिल्म के लिए एक प्रमुख प्लस पॉइंट है क्योंकि अपनी कैरेक्टर को बहुत अच्छा से निभाई है, और इसी फिल्म की हीरोइन इसी फिल्म के लिए दूसरी प्लस पॉइंट है। इसी फिल्म की माइनस पॉइंट की बात की जाए तो इसी फिल्म की सबसे बड़ी माइनस पॉइंट जो है वो है इसी फिल्म की स्टोरी, क्योंकि ऐसी फिल्म की स्टोरी जैसी और भी फिल्म है जो कि पहले से रिलीज हो चुकी है। इसी फिल्म को एक ही शब्द में कहा जाए तो इसी फिल्म में एक फैमिली ड्रामा एंटरटेनर मूवी जो कि मेलोडी और ड्रामा से भरपूर है। इसी फिल्म की रेटिंग की बात करेंगे तो इसी फिल्म की रेटिंग है 5 से 3 स्टार।